हेलो एवरीवन, हम लोग आज एक डीएफए डिजाइन करेंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि लैंग्वेज में नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ बीस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और स्ट्रिंग में केवल कैरेक्टर्स ए और बी ही हो सकते हैं या अल्फाबेट ए और बी ही हो सकते हैं। या ऐसा कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ ए इन द लैंग्वेज इज मॉड 2 इज इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ बी मॉड 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ एज है वो 2 के मल्टीपल्स में है और जो नंबर ऑफ बीज हैं वो 3 के मल्टीपल में है। सो लैंग्वेज का अगर हम एग्जांपल देखें कि क्या हो सकता है, सो ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रिंग है वो डबल ए ट्रिपल बी हो, जिसमें कि 2 ए और 3 बी है। ऐसा भी हो सकता है कि ए ट्रिपल बी ए हो सकता है, ए की पोजीशन कोई भी हो सकती है। यहाँ पे केवल काउंटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, पोजीशंस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ एज 4 हो और नंबर ऑफ बीस 3 हो, या फिर ये पॉसिबल है कि नंबर ऑफ ए 2 हो और नंबर ऑफ बी 6 हो, ये भी अलाउड है। पोजीशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल काउंटिंग पे हमारी रिस्ट्रिक्शन है। अगर मॉड 2 इज इक्वल टू 0 या मॉड 3 इक्वल टू 0 की भी बात करते हैं, इसका मतलब है कि एप्सिलॉन भी इसका पार्ट होगा। और इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि बीज ना हो केवल ए हो, इसका मतलब ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। या ये भी पॉसिबल है कि एज ना हो केवल बीज हो, ये भी एक्सेप्टेबल है। बट ये जो काउंटिंग है या मॉड्यूलस इसकी इसकी जो संख्या है, दैट इज ए की संख्या अगर है तो डिविजिबल बाई 2 होनी चाहिए, और अगर बी की संख्या है तो दैट इज डिविजिबल बाई 3। ये रेस्ट्रिक्शन हमारी होगी, ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी। तो इसका डीएफए बनाने के लिए हम लोग दो पार्ट में इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहला पार्ट हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ ए मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है। तो एक ऑटोमेटा ऐसा बना लेते हैं, लेट से ये ऑटोमेटा में जो स्टेट्स हैं वो ए स्टेट है, जो कि एक सिंगल ए लेने पर बी स्टेट पे चला जाता है, और अगेन ए ले तो ए पे वापस आता है। और अगर हम मान लें कि ए मेरा फाइनल स्टेट है, सो 0 ए एक्सेप्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 ए एक्सेप्ट हो जाएंगे। 2 ए आप देख सकते हैं, ए से बी एंड देन बी से ए। इसी तरह से 4 ए भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जितने भी इवन नंबर ऑफ बीज होंगे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसका मीनिंग है कि नंबर ऑफ ए मॉड 2 इज इक्वल टू 0 ये बता रहा है। सो सिंस वी आर नॉट अप्लाइंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन बी, सो बी का जो ट्रांजिशन है वो आप ए और बी स्टेट पे फ्रीली कर सकते हैं, सेल्फ लूप के हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और ऑटोमेटा बनाएं, जो ऑटोमेटा नंबर ऑफ बीस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू मॉड 3 इज इक्वल टू 0। चूंकि मॉड 3 की बात कही जा रही है, इसलिए इसमें 3 स्टेट्स होंगे। एक मॉड 0 बताएगा, एक मॉड 1 बताएगा और एक मॉड 2 बताएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑटोमेटा में भी आप देख सकते हैं कि सिंगल ए बी स्टेट पे हो जाएगा एक्सेप्ट, 3 बी एक्सेप्ट हो जाएगा, 5 5 सॉरी 3 ए एक्सेप्ट हो जाएगा, 5 ए एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 0 मॉड्यूलस वाला ये है और 1 मॉड्यूलस वाला मेरा ये है। नाउ नंबर ऑफ बीस के बारे में भी हम ऐसे ही बात कर सकते हैं कि जो ये स्टेट है, लेट्स से ये सी स्टेट है, ये डी स्टेट है और ये ई स्टेट है। तो सी स्टेट 0 मॉड्यूलस वाला है और जो डी स्टेट है वो 1 मॉड्यूलस वाला है, और जो ई स्टेट है वो 2 मॉड्यूलस वाला है। तो बी की काउंटिंग करते हैं, 1 बी 2 बी एंड 3 बी, सिमिलरली 4 5 एंड देन 6 बी 7 बी 8 बी एंड 9 बी। सो सी को हम मान सकते हैं कि दिस इज द फाइनल स्टेट और नंबर ऑफ बी मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0। इसपे ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं लगानी है, तो ए से आप सेल्फ लूप ले सकते हैं हर एक स्टेट पे, ई पे भी और डी पे भी, और सॉरी सी पे भी डी पे भी और ई पे भी, ए से आप सेल्फ लूप्स लगा सकते हैं। सो नाउ यू हैव द टू स्टेट्स ए बी एंड सॉरी टू ऑटोमेटा ए बी एंड सी डी। सो जो हमें ऑटोमेटा पूछा जा रहा है वो इन दोनों का साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन या साइमल्टेनियस काउंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ ए मॉड 2 इज इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ बी मॉड 3 इज इक्वल टू 0। साइमल्टेनियसली ये कंडीशन हमारी अप्लाई होनी चाहिए। तो साइमल्टेनियस अप्लाई करने के लिए हमें इन दोनों ऑटोमेटा को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए जो मेथड हमारे पास हो सकता है वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होगा। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली है जिसमें कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट की बात कही है। तो लेट से हमारे पास जो स्टेट्स हैं पहले ऑटोमेटा में वो ए बी है, और जो दूसरे स्टेट में स्टेट्स हैं वो सी डी ई है। जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें जो स्टेट्स मिलेंगे दे विल बी ए सी ए डी एंड बी ई सॉरी ए डी ए ई
सिमिलरली और भी स्टेट्स हमें मिलेंगे, 3 स्टेट्स, सो दो दोज विल बी लेट्स से बीसी एंड देन बीडी एंड बीई। ओके सो दीज आर द स्टेट्स। अब इसका हम एडजस्टमेंट कैसे करें, हम ऐसा मान सकते हैं कि 6 स्टेट्स हैं तो 6 को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। दो ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, तीन तीन के दो सेट में हम डिवाइड कर देते हैं। सो लेट्स से हमारे पास पहला स्टेट है ए सी, दूसरा स्टेट है ए डी और तीसरा स्टेट है ए ई। इसी तरह से हमारे पास स्टेट है बी सी, हमारे पास स्टेट है बी डी और हमारे पास स्टेट है बी ई। नाउ यहाँ पे किस स्टेट को हम इनिशियल स्टेट माने, ए स्टेट पहले ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट था और सी स्टेट दूसरे ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट था, तो हम मान सकते हैं कि जो ए सी स्टेट है वो इनिशियल स्टेट है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो हॉरिजेंटली अगर आप मूव करेंगे ए सी से ए डी में, तो ए सी से ए डी में ए चेंज नहीं होता लेकिन सी से डी हो जाता है, तो जो सेकेंड वाला ऑटोमेटा है उसमें सी डी ई स्टेट है और ये बी से ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो आप मान सकते हैं ये भी बी से ट्रांजिशन हो रहा है। ए डी से ए ई में ए चेंज नहीं होता लेकिन डी चेंज होता है, ई में चेंज हो जाता है, तो इसको भी मान लेते हैं कि ये बी से ट्रांजिशन है। सिमिलरली ए ई से ए सी आप मान सकते हैं कि ये बी के ट्रांजिशन के लिए मूव कर रहा है, स्मॉल बी के ट्रांजिशन के लिए। सिमिलरली नीचे वाले पार्ट में जो बी सी बी डी है उसमें सी डी चेंज हो रहा है, सी से डी हम पहुंच रहे हैं तो बी से पहुंच जाते हैं यहाँ पे, और डी से ई पहुंच जाते हैं बी से, और ई से सी पहुंच जाते हैं या बी ई से बी सी पहुंच जाते हैं बी लेते हुए। नाउ बी से हमने ट्रांजिशन दिखा दिया, अब हमें ए से ट्रांजिशन दिखाना है। सो अगर हम ए सी और बी सी स्टेट को देखें तो ए से बी चेंज हो रहा है, सी चेंज नहीं हो रहा है, सो ओरिजिनल ऑटोमेटा जो हमारा है उसमें जो ए की काउंटिंग वाला है उसमें ए और बी स्टेट है, तो स्मॉल ए से ट्रांजिशन यहाँ पे और स्मॉल ए से ट्रांजिशन वापस ए सी पे। सिमिलरली ए डी और बी डी में ए और बी चेंज हो रहा है, सो यहाँ पे ए से यहाँ और यहाँ पे ए से यहाँ। इसी तरह से ए ई और बी में ई चेंज नहीं हो रहा लेकिन ए से बी हो जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ए से ट्रांजिशन और बी से ट्रांजिशन। ओके नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो जो ए स्टेट है ओरिजिनल ऑटोमेटा में स्टेट ए, ये मॉड 0 की बात हमें बता रहा है और बी स्टेट जो है वो मॉड 1 की बात बता रहा है। ओके वन सेकेंड देखिए कि जो ए स्टेट है वो मॉड 0 की बात बता रहा है और जो बी स्टेट है वो मॉड 1 की बात बता रहा है, तो हम यहाँ पे भी ऐसा ही मानेंगे कि जो ए है वो मॉड 0 की बात बता रहा है और जो बी है वो मॉड 1 की बात बता रहा है। सो सेकेंड वाले ऑटोमेटा में क्या है, सेकेंड वाले ऑटोमेटा में ये है कि सी बता रहा है मॉड 0 के बारे में और डी बता रहा है मॉड 1 के बारे में और ई बता रहा है मॉड 2 के बारे में। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो हॉरिजेंटली हमने ए बी ए सी ए डी और ए ई स्टेट बनाया है, पहला पार्ट ए की काउंटिंग बताएगा और दूसरा पार्ट हमें बी की काउंटिंग बताएगा, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डिमार्केशन करना चाहते हैं कि चूंकि ए स्टेट पहले ऑटोमेटा में मॉड्यूलस विद 0 बताता है स्मॉल ए की काउंटिंग और सी स्टेट दूसरे ऑटोमेटा में मॉड्यूलस बी की काउंटिंग 0 बताता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 0 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे ए का मतलब 0 और डी का मतलब 1, डी हम ले आ रहे हैं, डी का मीनिंग हम ला रहे हैं सेकेंड ऑटोमेटा से, ए ई का मतलब ये है कि ए स्टेट इन ओरिजिनल ऑटोमेटा सो दैट इज गिविंग अस 0 एंड ई मीन्स दैट इज गिविंग अस 2 मॉड्यूलस ऑफ बी काउंटिंग इन द सेकेंड ऑटोमेटा। यही प्रोसेस हम अप्लाई कर देते हैं नीचे भी, बी स्टेट का मतलब है कि काउंटिंग 1 या मॉड्यूलस विथ 1 मॉड्यूलस ऑफ 2 दैट गिव्स यू आंसर 1 फॉर ए काउंटिंग, सी बी की काउंटिंग में 0 आउटपुट देगा हमें। सिमिलरली जो बी डी स्टेट है, बी डी स्टेट में हम ये कहेंगे कि बी का काउंटिंग मतलब 1, ए की काउंटिंग के बारे में बात कही जा रही है मॉड विथ 2 एंड डी इज टेलिंग अस मॉड विथ 3 फॉर द बी काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ बी। सिमिलरली बी ई स्टेट जो है वो ये बता रहा है कि ए की काउंटिंग में मॉड्यूलस 1 और ई का मतलब है कि बी की काउंटिंग में मॉड्यूलस 2। सो हमने ये मार्क कर लिया कि क्या क्या मॉड्यूलस आएगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में और इसके अकॉर्डिंग हम फाइनल स्टेट मार्क करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि नंबर ऑफ ए मॉड 2 शुड बी 0 एंड नंबर ऑफ बी मॉड 3 शुड बी इक्वल टू 0। ओके
तो यहाँ पे हमने इंश्योर किया कि जो 20 की काउंटिंग है वो हॉरिजेंटली हमने कर ली है, और जो ए की काउंटिंग हमने वो वर्टिकली कर ली है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि फाइनल स्टेट्स को हमें मार्क करना है कि क्या होगा। सो चूंकि आपको 0 0 चाहिए, इसलिए फाइनल स्टेट आपका जो होगा वो एसी होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एसी पे डिमार्केशन है वो है 0 0। सो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट हमें फाइनल स्टेट मार्क करना है। इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और कुछ और पॉसिबिलिटीज के लिए देखते हैं कि क्या फाइनल स्टेट्स होंगे। सो लेट्स से मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर हम इसके अकॉर्डिंग देने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन ये हमें बता रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ ए मॉड 2 शुड बी इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ बी मॉड 3 शुड बी इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि आप रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 2 1 2 के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 1 2 हमारा ये वाला केस है, तो बी मेरा फाइनल स्टेट होगा। तो चेंज हो जाएगा बी हमारा, माने फाइनल स्टेट पहले ए सी था, अब हमारा फाइनल स्टेट बी हो जाएगा। तो सेम ऑटोमेटा में आपने ये डिमार्केशन किया। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए मॉड 2 इक्वल्स टू 0, ये दूसरा वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ ए मॉड 2 0 और नंबर ऑफ बी मॉड 3 इक्वल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि 1 भी मॉड आ सकता है और 2 भी मॉड आ सकता है। सो आप ऐसा स्टेट ढूंढिए कि जिसमें 0 1 हो और 0 2 हो। तो 0 1 वाला स्टेट मेरा है एडी, और जो 0 2 वाला हमारा स्टेट है वो स्टेट है एई। तो मेरे ये दोनों फाइनल स्टेट हो जाएंगे इस केस में। आई होप आपके समझ में आया होगा कि हमें ग्रेटर देन और नंबर ऑफ बी मॉड 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। सो 1 और 2 दोनों वाले जो स्टेट्स हैं, कीपिंग दी नंबर ऑफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0 इज 0 1 एंड 0 2, दोज आर स्टेट्स ए डी एंड ए, इसीलिए हमने इन दोनों को फाइनल स्टेट यहाँ पे माना। थर्ड वन पिक करते हैं। थर्ड वन ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ ए मॉड 2 इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ बी मॉड 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1। सो लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो आप फाइंड करें कि किन स्टेट्स पे डिमार्केशन 1 0 और 1 1 है। सो 1 0 डिमार्केशन है हमारा बीसी स्टेट पे और 1 1 डिमार्केशन हमारा बीडी स्टेट पे है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे फाइनल स्टेट्स हो गए। तो एक ही ऑटोमेटा को आप देख रहे हैं कि एक ही ऑटोमेटा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने से आपका आंसर मिल जा रहा है आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के। अभी हम नेक्स्ट वाला करते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ ए मॉड नंबर ऑफ ए मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है और नंबर ऑफ बी मॉड 3 इज इक्वल्स टू 2 है। सो नंबर ऑफ ए मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0 का ये मतलब है कि स्टेट जिसमें कि पहला पार्ट 0 है और दूसरा पार्ट 2 है, नंबर ऑफ बी मॉड 3 इज इक्वल्स टू 2 है। तो 0 2 हमारा कहाँ पे मार्क्ड है, आप देख सकते हैं कि वो केवल मार्क्ड है ए ई पे। तो इसका मतलब ए ई मेरा फाइनल स्टेट यहाँ पे हो गया। लास्ट वाला पिक करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ए मॉड 2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब पहला पार्ट 1, और नंबर ऑफ बी मॉड 3 इज इक्वल मॉड 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2। थोड़ा सा गलती है इसको, इसको मिस कीजिए, इग्नोर कीजिएगा, लेस देन और इक्वल टू 2। सो लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि ये 2 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। पहला पार्ट तो हमारा 1 ही है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो 2 1 0 तीनों हो सकता है। सो ऐसा स्टेट हम फाइंड करते हैं जिसमें 1 2 का डिमार्केशन है। तो 1 2 का डिमार्केशन है बीई स्टेट पे, 1 1 किसका डिमार्केशन है बीडी का, और 1 0 किस पे डिमार्केशन है 1 0 बीसी स्टेट पे। सो इसका मतलब बीसी बीडी और बीई ये सारे के सारे हमारे फाइनल स्टेट्स हो जाएंगे इस ऑटोमेटा में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम पहले इंडिविजुअली ऑटोमेटा बना लेते हैं। इंडिविजुअली ऑटोमेटा बनाने के बाद फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं स्टेट्स का, हॉरिजेंटली काउंट कर लेते हैं 20 को, वर्टिकली काउंट कर सकते हैं ए को, या आप उल्टा भी कर सकते हैं कि आप हॉरिजेंटली काउंट कर लें ए को और वर्टिकली काउंट कर लें बी को। इन स्टेट्स पे मॉड्यूलस का डिमार्केशन कर दीजिए, क्योंकि मॉड्यूलस के हिसाब से ही आपने नंबर ऑफ स्टेट्स बनाया था पहले ऑटोमेटा और सेकेंड ऑटोमेटा में, एंड देन उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप वो स्टेट आइडेंटिफाई कर लें जिसमें ये वाली वैल्यू असाइंड है, या जिसको हमने डिमार्केशन किया है इन वैल्यूज का मॉड्यूलस के हिसाब से, और आप डिसाइड करें कि वो फाइनल स्टेट है। सो दिस इज वेरी सिंपल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स।
एंड दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी मच प्रोबेबल इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड द गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.